हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, एक ट्रिक है उसके बारे में। दोस्तों, जैसे कि एमएस एक्सेल में जहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर की जहाँ पे ऑप्शन होती है, जो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है फॉर्मेट पेंटर का एमएस एक्सेल में? देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है सेम टू सेम। जैसे कि दोस्तों, मैं जहाँ पे मतलब इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एमएस एक्सेल के कुछ सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको कोई कलर, मतलब कि हम इसको कलर कोई सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे एमएस एक्सेल में, ठीक है दोस्तों। देखो, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, और अगर मैं मतलब कि इसको सेलेक्ट करने के बाद, और इसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर को एक बार मतलब कि क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों, इसकी सेम टू सेम डिटो कॉपी है वो जहाँ पे मतलब इसको जहाँ पे अपने आप पेस्ट हो जाएगी। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम इस पे कॉपी करने और कट कॉपी पेस्ट करने की भी हमें जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसलिए हम फॉर्मेट पेंटर को ऐसे मतलब कि यूज कर सकते हैं हमारे एमएस एक्सेल में। देखो दोस्तों, इसकी सबसे जो बड़ी बात होती है, जो सबसे मतलब कि समझने वाली बात है, वो ये है कि जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट किया, दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है कि जैसे कि सबसे पहला जो सेल है वो है 6 नंबर, ठीक है। जहाँ जैसे कि जहाँ मैं 6 नंबर पे सेलेक्ट करूंगा, तो ये उतने ही सेल्स को जहाँ पे अपने आप कॉपी कर देगा। जैसे कि दोस्तों, मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करूंगा, और जहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो मतलब इसकी जो कॉपी है वो दो सेल जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे ही इसकी मतलब कि ये पेस्ट होगा। मतलब जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जी, वहाँ वहीं पे ही सेलेक्ट हो जाएगा एमएस एक्सेल में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, अगर आप एमएस एक्सेल में हर रोज वर्क करते हैं तो ये आपके लिए मतलब कि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको मतलब कट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, या फिर आपको सबसे पहले आपको सेल्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको बॉर्डर देंगे, या फिर इसको उसके बाद हम इसको कलर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको मतलब कि बार बार ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपके आपको क्या है कि जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद हम जहाँ पे अभी आप इसको पेस्ट करना चाहें वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। वहाँ पे अपने आप इसकी डिटो जो कॉपी है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों, आप बड़ी आसानी से आप इसका फायदा ले सकते हैं इस फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।